छतरपुर थाने पर पथराव के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश मत बनाइए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर की घटना को लेकर कहा कि निश्चित रूप से यह घटना निंदनीय है। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है और हम उनके ऊपर ही हमला कर देंगे, जिससे पता चलता है कि शिक्षा का अभाव है। जो भी अशिक्षित है वह विवाद करता है और जो शिक्षित होता है वह संवाद करता है। उन्होंने कहा कि कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि अगर आप गलत करोगे तो छत से घर जुदा हो ही जाएगा। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में, सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। इधर दूसरी तरफ छतरपुर विधायक ललिता यादव ने शहर के बाजार में व्यापारियों से संपर्क किया और सबको भरोसा दिया कि वह हमेशा साथ हैं। उन्होंने कहा कि छतरपुर का माहौल बिगाड़ने वालों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। भीम आर्मी के द्वारा पूरे भारत बंद के तहत व्यापारियों पर लाठी बरसाई, प्रतिष्ठान बंद कराए, परेशान किया, तंग किया। हमारे छतरपुर का पूरा जिला बल उसमें लगा हुआ था। उसी समय मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए लोग कोतवाली आए। ज्ञापन देना था, आराम से ज्ञापन देते चले जाते। ये कोतवाली के बाउंड्री पर चढ़े, इनने पथराव किया, इन्होंने टीआई को घायल किया, पुलिसकर्मी को घायल किया। पत्थर लेकर के ये लोग आए हुए थे, तो जो षड्यंत्रकारी थे जिनने ये उपद्रव किया था, मैं भोपाल में थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिली। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कड़े निर्देश दिए, कड़े से कड़ी कार्रवाई हुई है। जो लोग चिन्हित किए गए हैं उन पर बुलडोजर चले भी हैं, आगे भी चलेंगे। और साथ में जिस तरह से अमन चैन को छतरपुर में भंग करने की कोशिश की है, ललिता यादव जब तक जिंदा है और हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत ही संवेदनशील की सरकार मध्य प्रदेश में है, तब तक ये षड्यंत्र कायम नहीं होने देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।